नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल सुनील। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से परेशान राजधानी पटना वासियों के लिए बड़ी खबर है। आम लोगों के साथ साथ अब खास लोगों को भी चोरों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। चोरों ने बिहार के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के आवास पर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बिहार के पटना में चोरी का एक बड़ा मामला सामने आने के बाद बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष घर 30 सितंबर की देर रात को अपराधियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले को लेकर बताया है कि चोरों ने कई सामान पर हाथ साफ किया है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा के बेटे माधव झा ने बताया कि रात को चोरों ने अलमारी से कुछ दस्तावेज और पैसे चोरी किए हैं। रात में चोरों ने ग्रिल काट के अलमारी तोड़ के कुछ डॉक्यूमेंट्स और पैसे यहाँ से चोरी किए हैं। पापा कभी कभी इस रूम में रह जाते थे, लेकिन वो दिल्ली में हैं तो ये रूम खाली पड़ा था। ग्रिल तोड़ के उन्होंने चोरी की और रूम बाहर से बंद कर दिया था ताकि वो निश्चिंत होकर चोरी कर पाएँ। और क्या क्या ले गए हैं उसके विस्तृत जानकारी तो पापा ही दे पाएंगे जब दिल्ली से आएंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इतनी सुरक्षा होने के बावजूद ये घटना कैसे हुई, ये समझ से परे है। बता दें, चोरी उस कमरे में की गई है जिसमें मदन मोहन झा रहते हैं। चोरी की घटना के दौरान परिवार के सभी सदस्य ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे। मदन मोहन झा इन दिनों दिल्ली के घर पर हैं। चोरी की घटना के बाद कांग्रेस ने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है, लेकिन जितनी सुरक्षा होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष 28 सितंबर को ही दिल्ली से लौटने वाले थे। अगर उस रात वो उस कमरे में सोए होते तो पता नहीं उनके साथ कौन सी घटना हो जाती। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही वन इंडिया हिंदी के साथ।